नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। सागर जिले के शाहगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम श्यामपुरा के एक ही समुदाय के लोगों में पुराने विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर प्राण घातक हमले की घटना को अंजाम दिया था। शाहगढ़ थाना प्रभारी अर्चना सह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14 फरवरी को फरियादी ने रिपोर्ट लेकर कराई थी कि दिनांक 13 फरवरी को प्रार्थी देवेंद्र यादव अपनी पल्सर बाइक से नीलेश यादव निवासी नारायणपुरा के साथ शाहगढ़ से श्यामपुरा कजरावन जा रहा था। साथ में प्रार्थी का साला अभिषेक यादव अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। गाड़ी से जान से मारने की नियत से टक्कर मार दी एवं गाड़ी से उतरकर कुलदीप यादव व बहादुर यादव ने जान से मारने की नियत से अभिषेक व नीलेश के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 50/24 धारा 307 34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया, जिसके बाद घटना के बाद से ही फरार आरोपियों की तलाश की गई। आरोपी कुलदीप यादव एवं बहादुर यादव दोनों निवासी ग्राम श्यामपुरा कजरावन को दिनांक 17/24 को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल औजार समेत घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी प्रकरण में जब्त की गई। सूचना मिली थी दिनांक 13/2/24 को कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। संबंध में मौके पर जाके देखा गया तो घायल था, उसको तत्काल प्रभाव से उसकी गंभीर स्थिति थी, उसको सागर रेफर किया जा चुका था यहाँ से। और 14 तारीख को उसके जो कम घायल व्यक्ति था देवेंद्र यादव, जो घटना के समय साथ में था, उसके द्वारा सूचना दी गई कि वह मोटरसाइकिल से अपने साले अभिषेक यादव और नीलेश यादव के साथ शाहगढ़ से ग्राम तरफ अभी जा रहा था। उस समय स्कॉर्पियो गाड़ी से कुलदीप यादव, बहादुर यादव और उसके बाद कुलदीप और बहादुर यादव ने गाड़ी में रखी हुई स्कॉर्पियो से कुल्हाड़ी निकाल के मारपीट की, जिससे उनको चोट आई। इस सूचना पर प्राथमिकी दर्ज की जाकर अपराध विवेचना की गई, जिसमें अब तक 2 आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और जो आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। एक अन्य आरोपी की तरह से कुलदीप यादव, बहादुर यादव की गिरफ्तार की जा चुकी है, जिनको आज नवानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें धारा 307 धारा का समावेश किया गया है। विवेचना में जैसे भी स्थितियाँ होंगी तो उस धारा की जो है कार्रवाई की जाएगी। पुराना विवाद दोनों पक्षों में था, घायल पक्ष में और आरोपी पक्ष में। ये करीब 2-3 साल से विवाद चल रहा है, इस बात को लेकर एक्सटेंड किया गया है, ऐसा घायल पक्ष का आरोप है।